अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चटकारा बोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटकारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो मटन। ये बोनलेस मटन है, इसमें यानी कि हड्डियाँ नहीं। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे हमने लिए एक प्याज, इसको हमने स्लाइस कर लिया है। तो अब यहाँ पे एक लेंगे कुकर, कुकर में डालेंगे तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन के साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। आधा चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और एक चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है हमें। इसको जब तक भूनेंगे जब तक मटन अपना पानी ना रिलीज कर दे। फिर उस पानी को भी हमें सुखा लेना है ताकि इसमें से अजीब से स्मेल ना आए। तो देखिए मटन ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे हमें ढक्कन ढाके बगैर तेज आंच पर सुखा लेना है पानी को। तो देखिए यहाँ पे मटन का पानी अच्छे से सूख गया। इसे हमने चला चला कर अच्छे से भून लिया है। इसका पानी खुश करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी ताकि मटन को गलने के लिए जब हम छोड़ें तो इसमें पानी कम ना पड़े। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और 3 सीटी इसको हम देंगे और 5 मिनट स्लो आंच पर रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मटन अच्छे से गल गया है। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है अभी। तो इसे वापस से हम गैस की फ्लेम ऑन करके सुखा लेंगे सारा पानी को। तो देखिए यहाँ पे सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस और एक बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मटन पे मिक्स कर देना है ताकि अच्छे से कोट हो जाएं इसमें मसाले। तो हमारा मटन फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तेल जब गरम हो जाएगा तो हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेना है इसको। मटन पहले से ही कुक था तो इसे बहुत ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तब हम इसे निकाल लेते हैं। और देखिए कितनी आसानी से झटपट से हमारी चटकारा बोटी बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको चटकारा बोटी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।